जिस तेजी के साथ में भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत बहुत जल्दी 2027 तक ऐसा अनुमान किया जाता है कि जर्मनी और जापान दोनों को सरपास करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पीएलआई स्कीम के कारण से जिस तरह से नए सेक्टर्स में हमारा निवेश बढ़ा है, ये भी आने वाले समय में हमें बहुत प्रोमाइजिंग फ्यूचर देता है। तो जो एक्सपोर्ट हमारा 55% ग्रो हुआ है पिछले 8 साल में, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बूस्ट हुआ लगभग जीवी अगर हम बात करें तो 80-82% के आसपास में हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हुआ है,